दोस्तों, आपने फिल्मों में ज़ॉम्बीज को तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं असल जिंदगी में भी एक ऐसी फंगस है जो चींटियों को ज़ॉम्बीज बना सकती है। इस फंगस का नाम है ओफियोकॉर्डिसेप्स। इसे ज़ॉम्बी फंगस कहा जाता है। जब एक चींटी चलते हुए इस फंगस के स्पोर पर पैर रख देती है, ये फंगस उस चींटी की बॉडी पर चिपक जाती है और चुपके से एक अपना सेल इस चींटी की बॉडी में घुसा देती है। उसके बाद अगले कुछ दिनों में ये फंगस चींटी को अंदर से खाने लग जाती है। इसके सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं। बाहर से देखकर लगेगा कि चींटी बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कुछ नहीं हुआ है, सही सलामत है, लेकिन अंदर ही अंदर ये फंगस और मल्टीप्लाई करती जा रही है चींटी के अंदर। ये फंगस तब तक ग्रो करती रहती है जब तक इसका खुद का मास उस चींटी के बॉडी मास के आधे तक नहीं हो जाता। उसके बाद ये अपना खौफनाक काम शुरू करती है। ये फंगल सेल्स केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं चींटी के ब्रेन में और ये चींटी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करने लग जाती है। ये चींटी अपना घर छोड़कर बाहर निकल के जाती है, भटकती हुई जो भी आसपास पौधा दिखता है उस पर चढ़ने लग जाती है। करीब 25 सेंटीमीटर की हाइट तक चढ़ती है और जो भी वहां आसपास पत्ता मौजूद है उस पर ये बाइट मारकर परमानेंटली वहीं रुक जाती है। ये 25 सेंटीमीटर की हाइट एक ऐसी जोन में होती है जहां पर टेंपरेचर और ह्यूमिडिटी परफेक्ट है फंगस के और ग्रो करने के लिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इस फंगस ने पूरी तरीके से चींटी के ब्रेन को कंट्रोल कर लिया है। चींटी अब अपनी मर्जी से कहीं और नहीं जा सकती, वो उस पत्ते पर चिपकी रहती है और 6 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी उसी पत्ते पर उस पेड़ पर चिपकी रह जाती है। 2 दिन बाद इस चींटी की डेड बॉडी से एक व्हाइट कलर की स्टॉक उगती है। इस फंगस को ग्रो करने के लिए एक जगह मिल गई है। इस चींटी की बॉडी को एज अ बेस इस्तेमाल करके ग्रो करती है और हवा में अपने और स्पोर छोड़ती है जिससे कि और चींटियों को जाकर इन्फेक्ट किया जा सके और एक पैरासाइट की तरह उन्हें ज़ॉम्बी बनाकर खुद ग्रो करे। अच्छी खबर यह है कि आज के दिन तक कोई ऐसी फंगस इंसानों के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, कम से कम नहीं तो ये ज़ॉम्बी मूवीज नहीं रहती बल्कि असल जिंदगी बन जाती।